नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ 2 रुपए के इस जूस के क्या क्या फायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जूस सिर्फ 2 रुपए का है। इस जूस को बनाने की कीमत सिर्फ 2 रुपए है, लेकिन इसके फायदे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। इतने जबरदस्त फायदे हैं। ये जूस आपको कैंसर तक में भी फायदा देता है। जी हाँ दोस्तों, यह जूस इतना जबरदस्त है, इतने तगड़े इसके फायदे हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इसके साथ ही साथ यह चीज भी इसमें बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको बवासीर की दिक्कत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हम आपको बताएंगे जो कि इस जूस के पीने से आते हैं। बवासीर में यह जूस रामबाण है। तो अब हम आपको बताते हैं ये जूस आपको तैयार कैसे करना है। दोस्तों, ये जूस है मूली का। जी हाँ दोस्तों, रेडिश। मूली का सीजन चला हुआ है। ये देखिए, ये मूली का जूस है। हमने मूली को कस के ये जूस तैयार किया हुआ है। मूली बहुत सी चीजों में बहुत लाभदायक होती है। ये देखिए, मूली का जूस आपको तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप मूली लीजिए, उसे कद्दूकस कीजिए और कद्दूकस की हुई मूली के आप चाहे रोटियां बनाइए, चाहे पराठे बनाइए, और इस जूस को आपको पीना है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें मिलाना है काला नमक। जी हाँ दोस्तों, ये काला नमक है। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने व्हाइट नमक यानी कि आयोडाइज्ड साल्ट को नहीं मिलाना है। आयोडीन युक्त नमक खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमेशा ब्लैक साल्ट या फिर आप सेंधा नमक ही खाइए, जो कि हमें जमीन से सीधा चट्टानों के रूप में मिलता है। जो आयोडीन युक्त नमक है वह हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता और वह बहुत सी बीमारियों की जड़ है। वह सिर्फ आयोडीन तो हमारे शरीर को देता है, इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सी व्याधियां भी देता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं इस अमेजिंग मूली के जूस के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो हम इसको तैयार करना बताते हैं। अपनी मूली को कद्दूकस कर लीजिए और उसके जूस को अलग निकाल लीजिए। उसको थोड़ा दबाकर उसका जूस आप आसानी से निकाल पाएंगे। और जो आपकी बची हुई मूली है उसकी रोटियां बनाकर खाइए या उसकी भुर्जी बनाकर खा लीजिएगा। और जो ये जूस है उसको आपने पीना है। यह आपकी बहुत सी बीमारियों में काम आएगा। इसके लिए हम आपको बता देते हैं, इसमें आपको ब्लैक सॉल्ट मिलाना है। सिर्फ मूली और ब्लैक सॉल्ट से ही आपका ये हेल्दी जूस तैयार हो जाएगा। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा नमक इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए, ये हमने नमक मिला दिया इसके अंदर। काला नमक आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। यह आपके पाचन क्रिया को बहुत तेज कर देता है, जिससे आपके शरीर में पेट से संबंधित होने वाली बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और यदि आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो आपको पेट से संबंधित 70 प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे पेट से संबंधित जो हमारे पूरे शरीर को घेर लेती हैं, 70 प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं और धीरे धीरे वह पूरे शरीर को घेर लेती हैं, पूरे शरीर को ग्रस्त कर देती हैं। तो उन बीमारियों के नाम हम आपको बताकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपका जूस तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस जूस के आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, इस जूस के आपको इतने फायदे हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यदि हम मान कर चलें कि 100 ग्राम मूली का हमने ये जूस निकाला है, तो उसके मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी। यानी यदि हम माने कि हमने 100 ग्राम मूली ली है, तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 100 ग्राम मूली के अंदर 25% विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर 6% फोलेट भी होता है। विटामिन B6 4% होता है। 100 ग्राम मूली के अंदर डाइटरी फाइबर 6% तक होता है। और दोस्तों, इसमें कैलोरी सिर्फ 1% होती है। यानी कि यह आपके मोटापे को घटाने में भी बहुत मदद करेगा। इसमें कैलोरी सिर्फ 1% है और डाइटरी फाइबर 6% है। और इसके दूसरे जो तत्व हैं वह आपको मोटापे में भी बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इसके अंदर दोस्तों 7% मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और कॉपर 3% और कैल्शियम भी इसके अंदर 3% पाया जाता है। यानी कि यह आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, मूली बवासीर में बहुत लाभदायक होती है। मूली से आपका पेट साफ रहता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डाइटरी फाइबर है। यह आपके पेट को बहुत अच्छा करती है। साथ ही साथ इसमें अन्य पाए जाने वाले तत्व भी आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, इसे विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग से संबंधित बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं।
यह सफेद दाग से संबंधित बीमारियों में भी बहुत काम करता है। यानी कि मूली का सेवन उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो कि सफेद दाग से पीड़ित हैं। यानी कि जिनको सफेद दाग होने लगे हैं, यह ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हाई बीपी को भी मूली कम करती है, लेकिन आपको उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि नमक न मिलाएं। आप उसको सीधा मूली ही खाएं, या फिर अगर आपको जूस निकाल के पीना है तो आप उसमें नमक न मिलाएं। कोशिश करें, अगर आपको फाइबर चाहिए, आपके पेट को ज्यादा फाइबर चाहिए है, तो आप इसको मूली को सीधा ही खाएं, आप उसका जूस न बनाएं। यदि आपको जूस बनाना है तो जूस को अलग से बनाएं, लेकिन इसको बिल्कुल इसका जो आपको कद्दूकस किया हुआ हिस्सा हुआ फेंकना नहीं है। या तो उसकी रोटी बनाकर खाएं, या फिर उसको ऐसे ही सीधा सीधा खा लें सलाद के रूप में। इसके अलावा दोस्तों, शरीर को मूली के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को हाइड्रेट रखती है, आपके स्किन के लिए भी यह बहुत अच्छी होती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती। इसके अलावा दोस्तों, यह आपकी किडनी या पेशाब संबंधित समस्याओं में भी बहुत लाभदायक है। यह आपको किडनी की परेशानी और पेशाब से संबंधित परेशानियों में भी बहुत लाभ देती है। दोस्तों, यह आपको कभी भी कब्ज नहीं होने देगी। यदि इसको पर्याप्त मात्रा में आप रोजाना लें तो यह आपको कब्ज नहीं होने देगी। यह डायबिटीज यानी कि शुगर में भी बहुत लाभदायक होती है। यह शुगर का लेवल बैलेंस करती है, शुगर को कंट्रोल करती है। यदि आप इसको सीजन पर कंटिन्यू खाते रहें तो यह शुगर में आपको बहुत लाभ देने वाली है, यानी कि डायबिटीज भी आपकी कंट्रोल करेगी। दोस्तों, यह दिल की बीमारियों में भी बहुत लाभदायक है। यह आपको दिल की बीमारियों में भी पॉजिटिव असर डालेगी। तो मूली बहुत जबरदस्त चीज है, इसको बिल्कुल इग्नोर न करें। हम लोग सिर्फ इसलिए मूली नहीं खाते कि इससे आपकी गैस रिलीज होती है या फिर इससे आपके मुंह में हल्की महक होती है। तो दोस्तों, इसलिए सिर्फ इन दो कारणों से आप मूली को बिल्कुल इग्नोर न करें। यह बहुत जबरदस्त चीज है, इसे जरूर खाएं। दोस्तों, यह आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है, यानी कि यह आपको जल्दी से बीमार नहीं होने देगी। यह आपके शरीर को मजबूत रखेगी। अगर आप लगातार मूली का सेवन करते हैं तो आपको बीमारियां जल्दी से पकड़ में नहीं ले पाएंगी। यह दोस्तों वेट लॉस में भी बहुत मदद करती है। इससे पीलिए के लक्षण भी खत्म हो जाते हैं, यानी कि यदि आपको पीलिए के लक्षण अपने शरीर में दिखाई देने लगे हैं तो वह भी आपके शरीर से खत्म हो जाएंगी। यानी कि जॉन्डिस में भी यह बहुत लाभदायक है। यदि इसका जूस लगातार आप पिए तो आपको दर्द और सूजन में भी आराम करेगी। यानी कि यह आपको जोड़ों के दर्द और कहीं पर आपके शरीर में सूजन है तो उसमें भी बहुत आराम करती है, क्योंकि इसमें 3% कैल्शियम भी पाया जाता है, तो यह आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है। दोस्तों, यह कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का भी रामबाण इलाज है। दोस्तों, इससे कोलन, स्टोमक और मुंह के कैंसर में बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, यह सांस के रोग में भी बहुत गुणकारी है। यानी कि जब रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो मूली का सेवन बहुत अच्छा होता है। यह ठंड में भी सेवन की जा सकती है, क्योंकि सीजन ही इसका ठंड में होता है। तो दोस्तों, ठंडी होने के बावजूद यह हमारे शरीर को बहुत जबरदस्त फायदे पहुंचाती है, तो मूली का सेवन अवश्य करें। यह जोड़ों और हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसमें 3% पोटेशियम और 3% कैल्शियम होता है, तो इसलिए इसका सेवन आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा दोस्तों, यह आपको बुखार के संक्रमण से भी लाभ देगी। यानी कि आपको यदि महसूस हुआ है कि आपको हल्का हल्का फीवर है तो आप इसे आसानी से ले सकते बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों, मूली बहुत ही जबरदस्त चीज है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर न करें, इसे जरूर खाएं। यह एक ऐसी जबरदस्त औषधि है जो आपके बहुत सी बीमारियों में काम आती है, तो इसका सेवन अवश्य करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है मूली के जूस को पीने में या मूली को खाने में। दोस्तों, आप मूली के साथ मछली का सेवन कभी भी न करें। यानी कि मूली और मछली का कोई मेल नहीं है, एक गर्म प्रवृत्ति की, दूसरी ठंडी की है, तो गर्म और ठंडी को इकट्ठा नहीं लेना है। यानी कि मछली के साथ आप मूली का सेवन बिल्कुल भी न करें। दोस्तों, मूली के सेवन के तुरंत बाद या तुरंत पहले, कम से कम आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद तक दूध बिल्कुल न पिए। दोस्तों, काले चने और मूली को भी आपको इकट्ठे नहीं खाना है। यानी कि जब आप काले चने का सेवन कर रहे हैं तो आप मूली बिल्कुल भी न लें। तो दोस्तों, यदि आप वजन भी कम करना चाह रहे हैं तो आप मूली का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि इससे एक तो आपको भूख महसूस नहीं होगी, दूसरी बात आप इससे
इससे अपनी इम्यून पावर को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपकी पाचन शक्ति भी इससे बहुत बढ़ेगी। तो दोस्तों इस जूस को कभी भी इग्नोर न करें, इस जूस को इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा पिएं और ये मूली इसको जरूर खाएं, इसकी रोटियां बनाकर खाएं, आप इसके परोठे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सीजन की चीज है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें और इसका सेवन अवश्य करें। दोस्तों आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हेल्थ टाइम से। यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ यह बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, इससे आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों अगली बार एक और नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।